Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 दिसंबर के डेली करेंट अफेयर्स क्विज. देखिए ये वीडियो आपको रोजाना 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड हो जाती हैं, तो आप हमारे अगर मान लीजिए कभी नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड आप जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इस वीडियो को आराम से रेफ़र कर सकते हो. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. आज के जो क्वेश्चंस है, जो मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे उसके मैं आंसर्स बताऊंगी. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के जो क्वेश्चंस जिसके आपके मुझे आप लोगों को मुझे जवाब देने हैं, ठीक है. कमेंट्स में इसके आंसर्स ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप दे पाएँ. तो देखिए करंट अफेयर्स से आप मुझे बताएंगे कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं एंड छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं. इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने रिसेंट के वीडियोज़ में कवर करवाया है, तो आप इन दोनों का आंसर्स बताइएगा. और स्टैटिक में अब हम आते हैं, तो आप तीन क्वेश्चंस का मुझे आज जवाब दीजिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे कौन बने. कजाकिस्तान की राजधानी क्या है. देखिए एफकेट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, एफकेट एयरफोर्स में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सीडीएस हो गए, इन सब में ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसकी राजधानी क्या है बता दीजिए. तो देखिए कजाकिस्तान की राजधानी क्या है वो बताइए. चंबा किस राज्य का लोक नृत्य है. तो ये तीनों स्टैटिक के पार्ट हो गए. तो आप कोशिश करिएगा कि आप इन पांचों क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मुझे कमेंट में बता पाएं. एंड अब हम चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए कल मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा राज्य महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के लिए पहला राज्य बन गया है. तो ये राज्य है जम्मू एंड कश्मीर. सेकेंड क्वेश्चन था किस शहर में प्रहरी योजना शुरू की गई है. तो देखिए ये दिल्ली में स्टार्ट हुई है, दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टार्ट हुई है, ठीक है, प्रहरी योजना. और स्टैटिक की बात करें तो इग्नाइटेड माइंड मैंने पूछा था. इग्नाइटेड माइंड एक बुक है और इसका लेखक कौन है. तो इसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे. और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है. तो ये कर्नाटका में स्थित है. तो मैंने देखा था आप लोगों के जितने भी आप लोगों ने आंसर्स दिए थे, आप लोगों सबके आंसर सही थे. बट आप एक कोशिश करिए कि आप चारों क्वेश्चंस के आंसर दे पाए. मान लीजिए कि मैं इस क्वेश्चंस को क्यों कवर कर रही हूँ, ताकि आपके जीके अपडेट रहे. तो मान लीजिए जिसके आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं, आप सर्च करिए, खोजिए, ठीक है. कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे भी कमेंट करके पूछ सकते हो. बट आप कोशिश करिए कि आप 4-5 जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछूँ ना, उसके आंसर्स दे पाइए. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स क्विज. और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है किस शहर में ई भुगतान की अनुमति देने वाली भारत में पहली अदालत बन गई है. मतलब ये हमारी भारत का पहला अदालत है, पहली ऐसी कोर्ट है जहां ई भुगतान प्रणाली जो है उसे अनुमति मिल गई है. मतलब मान लीजिए कि कोर्ट में जो भी शुल्क जमा किया जाता है, न्यायिक या जो भी जमा किया जाता है, जुर्माना, इन सब के रूप में जो भी जमा किए जाते हैं पैसे, तो ये सारे ई भुगतान के द्वारा अब जमा किए जाएंगे. तो इसका लाभ क्या है. देखिए इससे क्या होगा कि पहली बात तो जो अब जो कैश में लेन देन होती है, जो नगद में लेन देन होती है, उसमें पारदर्शिता आएगी. दूसरी बात यह है कि नगद भुगतान के लिए भी पहले ये रूल था ना, लाइक एक कतार में खड़े रहना पड़ता है, एक लाइन में. तो ये चीज़ें अब नहीं होगी क्योंकि डायरेक्ट आपकी ई भुगतान से तो आपकी ये सिस्टम पूरी हो जा रही है ना पैसे देने वाली. तो लाइन में खड़े होने की अब ज़रूरत नहीं है. और ये जो हाई कोर्ट है, ये जो कोर्ट है ना, ये है पुणे. हमारे ऑप्शन जाते हैं सी. तो पुणे की अदालत में ही भुगतान की अनुमति देने वाली ये भारत में पहली अदालत बन गई है. यहाँ ये शुरू कर दी गई है. और ये ध्यान रखिएगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है RK मेनन ने इसका उद्घाटन किया है. तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है. हमारे ऑप्शन जाते हैं सी, पुणे. जैसे कि हम जानते हैं कि पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ चीज़ हम जानेंगे. जैसे महाराष्ट्र है तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र जी, ये हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में. गवर्नर है सी विद्यासागर राव, आप इन्हें भी देख सकते हो पिक्चर में. एंड वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, राजधानी तो आप जान लीजिए मुंबई के, महाराष्ट्र की मुंबई है. एंड राष्ट्रीय उद्यान आप ध्यान रख सकते हो. नेशनल पार्क जो है वहाँ चंदोली है, गुगामल है, नवे गांव है, संजय गांधी है और ताडोबा है. तो ये सारे वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं.
संगीत महासम्मान पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? संगीत महासम्मान पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है तो ये दो लोगों को किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चंस में ये नहीं आएंगे कि दोनों को पूछ लिया जाए, मैं इसमें दोनों को कवर कर दे रही हूँ, क्वेश्चन में कोई एक ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये शान को मिला है और अरिजीत सिंह, ये दोनों बहुत ही अच्छे सिंगर है जैसे कि हम सब जानते हैं। आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन में ना कोई एक ऑप्शन दे रखा होगा, या तो शान को दे रखा होगा या फिर अरिजीत को दे रखा होगा, तो आपको उस पर टिक मार्क करने हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखिए कि संगीत महासम्मान पुरस्कार इन दोनों हस्तियों को दिया गया है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी एंड डी। देखिए, कोलकाता में आयोजित किया गया था बंगाल संगीत और लोक संस्कृति त्यौहार, ठीक है, और इसके उद्घाटन में वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा इन्हें संगीत महासम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। वहाँ बंगाल संगीत मेला का आयोजन है, ये 8 दिनों का है और यहीं पर इन्हें संगीत महासम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन जाते हैं सी एंड डी। और जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि ये चीज़ें जो है कोलकाता में आयोजित हुई है, और कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो इससे हम जान लेते हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री हैं जो ममता बनर्जी जी हैं, वहाँ के गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी जी, ममता बनर्जी जी, केसरीनाथ त्रिपाठी जी। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान आप ध्यान रख सकते हो, लाइक बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी चीज़ें आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गॉड ऑफ सीन, द क्लड, द क्लाउड एंड डाउनफॉल ऑफ आसाराम बापू बुक किनके द्वारा लिखी गई है? देखिए, ये आसाराम बापू के ऊपर एक बुक है, बीच में कुछ हाईकोर्ट्स इसे मतलब ये जो बुक पब्लिश हो रही थी ना तो इस पर रोक थी, बट हाँ अब इस पे जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। गॉड ऑफ सीन इस बुक का नाम है, आप इस बुक को देख सकते हो, इसका फ्रंट पेज यही है, गॉड ऑफ सीन, ये आसाराम बापू पे है। तो इस किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ देखिए बुक में ना इनके राइटर का भी नाम लिखा हुआ है, तो ये लिखी गई है यूसिनोर मजुमदार जी के द्वारा। आप देख सकते हो यहाँ भी राइटर का नाम दिया हुआ है, यूसिनोर मजुमदार जी, और तो हमारे ऑप्शन जाते हैं सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है? मतलब किनके द्वारा 2019 जो है वो सहिष्णुता का वर्ष कहलाएगा? तो ये कहलाएगा बिन जैद अल नहान। अब बात आती है, ये बिन जैद अल नहान जी है कौन? देखिए, ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। HSC खलीजा बिन जैद अल नहान जी ने 2019 को सहिष्णुता का वर्ष कहा है। उन्होंने ये कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात को सहिष्णुता की वैश्विक राजधानी के रूप में उजागर किया जा सके और सह अस्तित्व और शांति के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके, इसके तहत इन्होंने 2019 को सहिष्णुता का वर्ष कहा। और ये राष्ट्रपति हैं संयुक्त अरब अमीरात के। ऑप्शन हो जाते हैं डी। और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान सकते हैं, ये वहाँ का फ्लैग है, ध्वज है, और यहाँ की राजधानी है अबू धाबी, भाषा वहाँ की अरबी है, और राष्ट्रपति जैसे कि मैंने कहा बिन जैद अल नहान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इंडियंस के ने किसको क्रिकेट परिचालन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए, इन्होंने मुंबई इंडियंस ने जो अपने निदेशक के रूप में जिन्हें नियुक्त किया है क्रिकेट के परिचालन के लिए, इनका नाम है जहीर खान। ऑप्शन हो जाते हैं ए, जहीर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब सेलिब्रेट किया? तो देखिए, ये 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन है ए। और इसका उद्देश्य क्या था कि दुनिया भर में जितने भी प्रवासी हैं ना, उनके प्रयास, उनके योगदान और उनके अधिकारों को पहचानना है, ठीक है, इसके तहत, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तहत। और देखिए, 1990 में ना इस दिन महासभा ने सभी जितने भी प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे, उन सबके अधिकार के संरक्षण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को अपनाया था, और तब से ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम मना रहे हैं 18 दिसंबर को। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, कृषि व्यवसाय, सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग के क्षेत्रों और वीजा की आसान सुविधा के लिए 4 समझौते किए हैं? अभी अभी रिसेंटली देखिए, भारत ने इस देश के साथ 4 समझौते किए हैं, जिसमें से संस्कृति है, कृषि व्यवसाय है, सूचना प्रौद्योगिकी है, और वीजा की भी सुविधा है। तो ये किया है इन्होंने मालदीव के साथ। ऑप्शन हो जाते हैं हमारे सी, मालदीव। ये जो वीजा की सुविधा है ना, इसके तहत क्या होगा कि देखिए, मालदीव के जो नागरिक हैं या जो उनके परिवार है ना, जी हाँ, मालदीव के जितने भी नागरिक हैं मान लीजिए, या उनके जो परिवार हैं,
उन्हें मान लीजिए चिकित्सा उपचार के लिए अगर भारत आना है तो उसे आसान वीजा व्यवस्था की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगर वो मान लीजिए अपने चेकअप कराने के लिए भारत आना चाहते हैं तो उन्हें आसानी से वीजा मिल जाएगा। तो ये वीजा सुविधा के दौरान ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, भारत ने इस चीज़ों पर जो समझौते किए ये मालदीव के साथ किए हैं। ऑप्शन हो जाते हैं हमारे सी, मालदीव की आप राजधानी याद रख सकते हो कि मालदीव की जो राजधानी है ना वो है माले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते किए हैं? तो भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में अफगानिस्तान के साथ समझौते किए हैं। ठीक है, और देखिए जो देश मतलब मान लीजिए अफगानिस्तान के जो देश के जो छात्र हैं मतलब आप अफगानिस्तान के जो छात्र हैं अब उनको भारत में आना है तो भारत में जो तैयार पाठ्यक्रम है ना उसका उपयोग कर सकते हैं। ये इस समझौते के तहत ये हुआ है कि भारत में जितने भी तैयार पाठ्यक्रम हैं उसका अनुमति दे देता है हमारा भारत कि हाँ आप भी इस पाठ्यक्रमों का उपयोग कर सकते हैं। ये समझौते हुए हैं अफगानिस्तान के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा शिक्षा के क्षेत्र के लिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन हो जाता है डी, अफगानिस्तान में आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ की राजधानी है काबुल और यहाँ की भाषा है पश्तो और फारसी। ठीक है, और यहाँ मैंने अफगानिस्तान के फिर उनके पड़ोसी देश सारे कुछ को इस मैप में कैप्चर करने की कोशिश की है, आप यहाँ देख सकते हो। एंड चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए ये हुए हैं उदय शंकर जी, आप इन्हें इस पिक्चर में देख सकते हो, उदय शंकर जी यही हैं। और इन्हें फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन हो जाते हैं हमारे ए, उदय शंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, 76 एडिशन हुआ है वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का, जिसमें सेसिल बी डिमिल पुरस्कार से किसे नवाजा जाएगा? तो देखिए सेसिल बी डिमिल पुरस्कार से 76 एडिशन के जो वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है उसमें नवाजा जाएगा। उनका नाम है जेफ ब्रिजेस। ये बहुत ही मतलब आप कह लीजिए बहुत ही एक्सपीरियंस अभिनेता है। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये सेसिल बी डिविल पुरस्कार है क्या। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ नहीं आ रही है। तो देखो मनोरंजन की दुनिया में अगर कोई कांस्टेंट आपको इम्प्रेस कर रहा है अपनी पर्सनालिटी से, मतलब इंटरटेनमेंट में इनका एक स्थायी प्रभाव रहा है, और सालाना ये उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को दिया जाता है, हर साल ये पुरस्कार उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को दिया जाता है जो इंटरटेनमेंट की दुनिया में कांस्टेंट बने हुए हैं और आपका इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी योगदान है मनोरंजन की दुनिया में, तो उन्हें सेसिल बी डिमिल पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है, तो इस 76 एडिशन में जो नवाजा जाएगा जिन्हें, इनका नाम है जेफ ब्रिजेस, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अभिनेता है। तो ध्यान रखिएगा हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पहले मैं बता दूं कि ये जो नियुक्त हो रही हैं ना इनका नाम है माधवी दीवान, ये पेशे से वकील है, और ये ध्यान रखिए कि ये तीसरी महिला है जो हमारी भारत की सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुई हैं। और पहली महिला जो थी इनका नाम है इंदिरा जयसिंह, ये भी पेशे से वकील थी, और ये माधवी दीवान जो कि ये तीसरी महिला है और ये भी पेशे से वकील है, और ये सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, इनका काम ये होगा। तो ध्यान रखिएगा ये तीसरी महिला, इनका नाम है माधवी दीवान। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 19 दिसंबर के, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो की PDF जो है ना आपको नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में मिल जाएंगी, और आप कोशिश जरूर करिएगा कि मैंने आज के जो 5 क्वेश्चंस पूछे हैं ना आप उसका आंसर्स दे पाओ। इसके अलावा आपको कहीं कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी, बिल्कुल कोशिश करूँगी कि उसका आंसर्स दे पाऊँ। ठीक है, तो एंड हाँ कल 19 दिसंबर को आज इनके भी एग्ज़ाम्स हैं, सब आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट।